शाहरुख खान को एचआरडी से बड़ा झटका। बॉलीवुड के किंग्स शाहरुख खान को हाल ही में जामिया मिलिया इस्मालिया ने डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से झटका लगा है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जामिया यूनिवर्सिटी के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि शाहरुख खान को किसी अन्य यूनिवर्सिटी से पहले ही सम्मान दिया जा चुका है, ऐसे में फिर से डिग्री देने का कोई औचित्य नहीं है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार आरटीआई के जरिए हुआ है। आपको बता दें कि शाहरुख खान जामिया मिलिया इस्माइलिया के स्टूडेंट रह चुके हैं। शाहरुख ने भी इस डिग्री को लेने के लिए मंजूरी दे दी थी। यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन अब उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, क्योंकि आरटीआई में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जामिया ने बताया कि शाहरुख खान को 2016 में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी से एक डिग्री पहले ही मिल चुकी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन कम अटेंडेंस होने के कारण फाइनल ईयर के एग्जाम में वह नहीं पढ़ पाए थे। आपको बता दें कि पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना भी नजर आई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई और पिट भी गई थी। अब इतना तो तय है कि जामिया से अब शाहरुख को कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एचआरडी ने इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल शाहरुख की तारीफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।